नमस्कार अर्गस अपडेट सहित मु अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस आरडी छात्री मृत्यु घटना स्कूटर रे आनी फिंगी देइतबा दुई अभियुक्त चिन्हट उभयंकु अटक रखी पुलिस रो पचराउचरा घटना रे बांकीर राकेश को संपृक्ति थिबा नै अभियोग आनिले बापा एकाम्र क्षेत्र रु मिलिला आउ एक पुरातन ऐतिहर चिन्ह खनन बेले सुवासरी मंदिर निकट रु संधान एहा लिंगराज मंदिर ठु पुरुणा होइतबा अनुमान राज्य सरकार एएसआई कथा शुणु नथिबा अभियोग लाल किला जिबे गृहमंत्री अमित शाह आहत पुलिस को भेटिबा कार्यक्रम हिंसा करितबा लोकंक विरोध रे हेबा देशद्रोह मामला ट्रैक्टर रैली रे हिंसाकांड परे चासी संगठन ने फाटो आंदोलन रु हटिले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन 200 लोकंक हिफाजत को नेला दिल्ली पुलिस चिलिकारे पक्षी शिकार फासुरे पड़ी दुई विदेशी पक्षी मृत्यु जाल बसाई फेरुवा बेले हरिपुर रास्तु दुई शिकारी को गिरफ कला पक्षी सुरक्षा बाहिनी टांगी वन्यप्राणी रेंज रे मामला रुजु पुणी खाकी दाग बटी आदाय अभियोग झराडी फांडी एएसआई सत्यवान गिरी गिरफ 9000 टंका नेउथिबा बेले गिरफ कला विजिलेंस ऑफिस समेत बासभवन में चढ़ाऊ एवं आज श्रीमंदिर में पुष्याभिषेक नीति नित्य पूजा पर नूतन वस्त्र भूषण और गंध द्वारा यात्रा मंडप को जिबे महाप्रभु अभिषेक शोभ प्रदर्शन में वैकुंठपुरी प्राप्त हुए बोली विश्वास देखवा संपूर्ण खबर आरडी छात्र मृत्यु घटना स्कूटर रे आनी फिंगीतिबा दुई अभियुक्त चिन्हट होइछन्ते उभयंक अटक रखी पुलिस पचराउचरा चलाइछि सेबडे घटना रे बांकीरु जने युवक राकेश स्वाईंक संपृक्ति थिबाने अभियोग आनिछन्ते मृत युवतीक बापा तेबे गतकाली जाजपुर कुआख्या अंचल रे दुई जन स्कूटी रे आसी झराफुलंक मृतदेह रास्ता कडकु फिंगी चली जाइथिले परपर पुलिस पहुंची रास्ता कडरु युवतीक मृतदेह उद्धार करथिला दुई जन मृतदेह फिंगी दे चली जिबार वीडियो सीसीटीवी रे कैद होइथिला जहाको आधार करी पुलिस ए घटनार तदंत चलाइछे मृत युवती मयूरभंज जिलार झराफुल नायक जे कि भुवनेश्वर रमादेवी कॉलेज रे थिबा रमादेवी विश्वविद्यालय युक्त तीन छात्री थिले मृत्युर कारण एबे भी अस्पष्ट थिबा बले संपृक्त दुई युवकंकु अटक रखी पुलिस तदंत चलाइछे लिंगराज मंदिर पाखरु मिलिला पुरातन ऐतिह सबुठ बड़ कथा हेउची एहा लिंगराज मंदिर ठू पुरुणा होइथिबा एएसआई अधिकारी सूचना दैछन्ते तेबे खनन रे एएसआई को मिलिछि बड़ सफलता पुरुणा भुवनेश्वर सुवासरी मंदिर निकटरु बाहरिछि एक एही पुरातन मंदिर रो भग्नावशेष लिंगराज मंदिर चारिपार्श्व उच्छेद समय रे एहार संधान मिलिथिला गोटेपटे एकाम्र क्षेत्र प्रकल्प रे लिंगराज मंदिर रो सौंदर्यकरण पै योजना चलिछे किंतु गत किछि दिन मध्ये विभिन्न ढांचा ओ मठर सौध को भंगा जाइछे सुवासरी मंदिर पाखरे यहाँ सब भंगा जाइछि सारी मंदिर उत्तर पश्चिम कोण में मिलिछि ए पुरातन मंदिर संधान खनन समय मिलिछि ए ऐतिहासिक भग्नावशेष एएसआई खनन टीम पहुंची घटनार तदंत आरंभ करिछि बा घटनार छानबीन करुछि ए मंदिर चट्टान समेत दुईट ढांचा मिलिछि खनन कार्य संपूर्ण हेले संपूर्ण चित्र स्पष्ट हेबो बोली एएसआई कहिछि ऐतिहासिक प्रत्नतत्वविद माने एनी चिंता प्रकट करिछन्ते सरकार सौंदर्यकरण काम ना पुरातन सौध को धूलिसात करिबा नै चिंता करथिबा एएसआई पक्षरु चिंता जाहिर करा जाइछे टेम्पल बेस जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर वो एक टेम्पल का बेस है जो कि ये जो सुवासारी टेम्पल है उसी का पार्ट है होना चाहिए क्योंकि देखिए अब वो वहाँ पर भी एक मंदिर का एक बेस है सामने भी पीछे भी एक मंदिर है एक दो तीन मंदिर हमें पता चल रहा है तो ये पंचायतन स्टाइल में हो गया अब पंचायतन स्टाइल का होने के कारण से ये अब जो इसका जो डेट है वो फर्दर बैक जाता है और ये 10th century AD का टेम्पल है जो कि प्रायर टू लिंगराज है लिंगराज मंदिर से पहले बनाया गया था एकाम्बर प्लान गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा कर रही है उसके तहत जो ये डिमोलिशन ड्राइव कर रहे थे लिंगराज और लिंगराज के आसपास के एरिया में उस दरमियान हम लोगों ने कई बार बोला कि इस तरह से बहुत सारे टेम्पल्स आपको ज्ञात होगा कि भुवनेश्वर जो टेम्पल सिटी है अराउंड 1000 टेम्पल्स का एक्सिस्टेंस है यहाँ पर ऐसा कई बार कहा गया है
एनसीसी कैडेट गहन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सीधासख नहीं चलु नुआ दिल्ली So as the guard of honor marches off in the event today, Prime Minister will also be distributing awards to the meritorious NCC cadets and then address the gathering here at the Kariyappa Parade Grounds. Samman Guard ke paschat charon wing army navy air force tatha girls wing maidan se bahar jate hue yuva shakti rashtra ka stambh gahan urja evam mahatvakanksha se labalab माननीय प्रधानमंत्री जो स्वयं एक एनसीसी कैडेट के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं युवा वर्ग के लिए सदैव एक प्रेरणा रहे हैं वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है क्या हमारे दिल में है And there we see, nearing the saluting dais, cavalry, where soldier warriors are mounted on horseback. So we see five horsemen marching in front of the dais. And this mounted section of horses is led by Under Officer Dharamveer, proudly bearing the national flag as he is mounted on the horse called Vajra. Of all the sights of battlefield, there was none more inspiring than that of a cavalry unit in full glory of its charge. And following Under Officer Dharamveer are four horses with their flag bearers. On the extreme right, you see Under Officer Veer Abhimanyu Chipper on Tehzeeb, proudly bearing the army flag as the Prime Minister looks on. And next, to the under officer is Corporal Anjali mounted on Tufan and bearing the Indian Navy flag. The Indian Air Force flag was borne there by Under Officer Neeru Tavar on Tushar and Sergeant Quartermaster Ankit Tavar bearing the NCC flag riding on Messi. Ladies and gentlemen, closely following are the 17 marching contingents. As you see on your screen moving towards the saluting dais. That's the Andhra Pradesh and Telangana Directorate. Chest swelling with pride, heads held high, smartly marching contingent, Andhra Pradesh and Telangana led by Senior Under Officer P. Satish Kumar Reddy, placard bearer Senior Under Officer Adnan Pasha. Smart salute to the Honorable Prime Minister. Following close behind is Bihar and Jharkhand led by Senior Under Officer Shivanand Kumar and Senior Under Officer Abhishek Kumar. And that's the Delhi contingent led by Senior Under Officer Rahul and the placard bearer Sergeant Rajiv Nayak. These are the mellifluous tunes coming from the brass band, Bombay Engineering Group, Center Kirki, led by Naib Subedar G.J. Binu. And the band tune, Jahan Dal Dal Par Sone Ki Chidiya Karti Hai Basera, Wo Bharat Desh Hai Mera. Loh Purush Ki Ruhani Mitti Ki Khushbu Bikherta Agla Marching Contingent, Gujarat Se. Contingent Commander Cadet Thakur Parth, Placard Bearer Senior Under Officer Jadeja Harshad Singh. Gujarat ka dasta, smart salute, Mananiya Pradhan Mantri ko, Gaurvanvit Pal, Itihas ke panno mein darj hote hue. Iske theek piche,
मां भारती का मुकुट कहे जाने वाली पावन धरती से अगला मार्चिंग कंटिंजेंट जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। कमान संभाली है कैडेट अमन सिंह ने, प्लेकार्ड कैडेट मनमीत सिंह। Well, that's the Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Somarth Gajanan Ghatke, and the bearer of the placard, Senior Under Officer Purvi Gowda KM. Perfect synchronization. There are 17 directorates of the National Cadet Corps. And when you look at the NCC flag, you'll actually find 17 petals, which are demonstrating them. Here comes the Kerala and Lakshadweep Directorate, ably led by Under Officer Rishikesh BS, and the placard borne by Junior Under Officer Atul Krishna. Colorful military regalia is the military band from Army Medical Corps led by Naib Subedar Rajendra Singh playing Kadam Kadam Badhaye Ja. Khushi ke geet gaaye ja, and Colonel, what a moment of happiness for the young cadets here. Bilkul Amit ji, agar aap dekhen 23 January Netaji ka janmdin pura rashtra parakram divas ke roop mein mana raha hai aur ye unki azad hind fauj ka rashtra geet tha. Absolutely, the graceful and enchanting patriotic song was the marching song of the Azad Hind Fauj. Here comes Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. Iski command sambhali hai Senior Under Officer Yadubendra Solanki ne. Placard sambhala hai Junior Under Officer Ram Pratap Rajput. Aankhon mein Indradhanushi sapne, har maidan fateh karne ka jazba. Prime Minister himself has been an NCC cadet, and so has been the Honorable Defense Minister. Odisha Nideshalay Cadet Akash Kumar Nayak ki kamaan mein board marker Cadet Suman Gowda. Chusti furti se aage badhte hue. कंधों पे आसमान उठाकर चले हैं हम, सूरज हथेलियों पे उगाकर चले हैं हम। अबल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के दस्ते की कमान कंपनी सार्जन मेजर अंशुल महंत के हाथों में, प्लेकार्ड बेरर सीनियर अंडर ऑफिसर अतुल वर्मा। Well, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh were the champion directorate last year. Who will get the honours today? We'll get to know as we now see the Rajasthan directorate. Ably led by Senior Under Officer Deepak Dhobi and the placard bearer Cadet Manaswini Sodha. Marching in a splendid formation. Next, we have contingent from Tamil Nadu, Puducherry, or usse pehle pipe and drum band, Jammu and Kashmir Light Infantry ka, Naib Subedar Sukhdev Raj, Kadam Kadam Badhaye Ja ki tune bajate hue. And in the midst of this, I hope you all had a glimpse of the air show as well, and much more is going to be on the offer as we will catch the micro light flying. That's the Uttar Pradesh Directorate led by Senior Under Officer Ajay Singh.
and placard held by senior under officer Abhay Yadav. Among the martial tunes, the entire environment inspires patriotism, martial awakening and valor. Uttarakhand Directorate led by Senior Under Officer Akhil Unyal and the flag bearer Cadet Mayank Rawat. And now the West Bengal and Sikkim Directorate led by Junior Under Officer Mohit Sharma and flag borne by Senior Under Officer Nuri Banu. युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, जोश आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का, हौसला नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। नायब सूबेदार प्रवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सुरमई धुन That's parasailing in action for you as we see Sergeant Jatin getting airborne. And a round of applause here from the Prime Minister. बहुत छोटा है कदे आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो मैं हौसलों की उड़ान रखता हूं. सार्जेंट जतिन क्षितिज से भी ऊंचे हौसलों के साथ और इसके ठीक पीछे एक और पैरासेलर कैडेट राशि खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है. ये वो बेटी है जिससे माँ के आंगन में उजाला है और ये बेटी आज अपने हिस्से का सूरज खींच कर लाने के लिए तैयार. The parasailors are carrying the national flag. They are airborne right now. I am born to fly. Let me discover the limitless sky. I will spread my wings. I will learn how to fly. I will do what it takes to touch the sky. पक्षियों की तरह उड़ना देखने में काफी आसान लगता है लेकिन इसके पीछे कड़ी मशक्कत और ये कैडेट हिमांशु तीसरे पैरासेलर उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है. मुझे यकीन कि आसमान कम है. माननीय प्रधानमंत्री भी तालियां बजाकर अभिवादन करते हुए इन युवा योद्धाओं का. Well, as we saw Sergeant Jatin, Cadet Rashi, Cadet Himanshu, one wonders what a feeling it must be to be suddenly airborne, Colonel. जी हाँ, ये देखने में जितना आसान लगता है इसके पीछे कई घंटे की मेहनत पसीना आपको तीव्र हवा के गति के विपरीत दौड़ना पड़ता है. एंड पीपल हियर इन अटेंडेंस हैव देयर कैमरास आउट टू कैप्चर दीज ब्यूटीफुल मोमेंट्स एज नाउ वी सी द टैब्लोस कमिंग नियरर टू द सैल्यूटिंग डेस. थल सेना की झांकी. एनसीसी के तीनों विंगों में थल सेना के कैडेट्स की संख्या सबसे अधिक है. इसके अंतर्गत कैडेट्स को ड्रिल, हथियारों का प्रशिक्षण, फायरिंग, मैप रीडिंग, शारीरिक योग्यता आदि अनेक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका वर्णन इस झांकी में किया जा रहा है. एनसीसी अपने कैडेट्स को सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके. एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति विश्व को झुका ही देता है. Well, cadets undergo training related to field craft, battle craft, and map reading. We have all learned maps in geography in our school, but when it comes to the armed forces and the cadets, even for the naval wing, map is an important tool. अगली झांकी नौसेना की झांकी उन गतिविधियों का वर्णन जिसका प्रशिक्षण कैडेट एनसीसी में लेते हैं. Exposure is provided to the cadets to various facets of naval life like sailing, ship life, ship modeling and design. The sailing boat displayed on the tableau is the Enterprise class boat. And the air tableau. After the naval tableau, so we can see
the micro lights flying and the formation they are creating. They are executing three aircraft formation. Tell us more about the micro light aircraft. These are Zen micro lights, small light plane which weighs around 430 kgs. Ordinarily powered by a 450cc four-cylinder engine, and it can fly at a speed of around 80 miles per hour. And the Naval Wing has been relying on this for the training of their cadets, and it can fly up to 14,000 feet. And we now have the tableau of social services and community development. Social services is so very important part of the cadet here at the NCC, whether it's the field of immunization, blood donation, yoga, Swachh Bharat Abhiyan, tree plantation, environmental conservation. These cadets have played a pivotal role. As we can see, the cadets watering the plants, spreading the eco-friendly message, and Prime Minister has always stressed that if it is not sustainable, it is not development. जी हाँ, सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कैडेट्स का. Meanwhile, the microlight landing is also spectacular, and one of the defining moments in just a bit will be when one of the microlights will land and a cadet will come out with a message for all of us. Now, what will be that message? Wait and watch. अभी आपने देखा था तीन microlight, उन्हीं में से एक अभी मैदान में उतरता हुआ. अगली झांकी एनसीसी के योगदान के बारे में, भीषण संघर्षों एवं चुनौतियों का वर्ष 2020, जब पूरी दुनिया कोरोना के भय से आशंकित थी, एनसीसी के कैडेट्स ने इस वैश्विक महामारी में सेवा एवं समर्पण की नई इबारत लिखते हुए अभूतपूर्व कार्य किया. एनसीसी के महानिदेशालय द्वारा 1 अप्रैल 2020 को एक्सरसाइज योगदान का आगाज किया गया. देश के चारों कोनों में 1.5 लाख से भी ज्यादा कैडेट्स ने अपनी इच्छा एवं निस्वार्थ भाव से विभिन्न तरीके से योगदान किया. जैसा कि आप देख रहे हैं अमित, किस प्रकार कैडेट माननीय प्रधानमंत्री के सामने पेश करते हुए. सो इवन एज द माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट कंटिन्यूज टू लैंड इन द बैकग्राउंड, वी सी मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग. हियर वी सी यंग कैडेट्स ड्रेस्ड इन द पीपीई एंड हेल्पिंग आउट, create awareness among the people at large on the COVID. And now, under the leadership of Prime Minister Modi, as India has developed multiple vaccines, one would also rely on the NCC to help in awareness of the vaccination program as well. Whether it was distributing rations, manning COVID-19 helplines and data centers, NCC cadets have played a very important role. इसी बीच आप देखें अमित, किस प्रकार वो तीसरा माइक्रोलाइट मैदान में उतरता हुआ. Well, as far as microlight formation is concerned, today it was led by Wing Commander Mudaliar and Group Captain Vinod. One more aircraft was piloted by Wing Commander Narayan and Cadet Mansi Badoria. And the third aircraft was piloted by Wing Commander Grime and Group Captain Shiv Kumar. कोविड की विभिन्न गतिविधियां, अमूल्य योगदान. हियर कम्स द थर्ड माइक्रोलाइट व्हिच हैज जस्ट लैंडेड. इट हैज टेकन अ यू टर्न एंड इट इज ट्राइंग टू कम टुवर्ड्स द डेस. देयर इज समथिंग इन स्टोर फॉर अस एज यू सी अ कैडेट कमिंग आउट ऑफ. सीधासल देखुले नुआदिल्लीर करियापा ग्राउंड रू जोठी एनसीसी कैडेट माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे विभिन्न कला कौशल प्रदर्शन करुले परेड में भाग नौते समस्त रही बुलेटिन के रखु नमस्कार.